जब आपको जिंदगी में पहली बार सेक्स करना होता है तो क्या खास ख्याल रखना चाहिए, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका सेक्सोलॉजिस्ट दीपक अरोड़ा। हमारे क्लिनिक दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों जगह पे हैं। उसके अलावा हमारी वेबसाइट drarora.com के थ्रू हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप अपने घर पे बैठे बैठे हमारे प्रोफेशनल्स की मदद लेके इन समस्याओं से बाहर निकल सकें। और अब तो मैं हर शुक्रवार रात को 9 बजे आपके साथ यूट्यूब लाइव पे भी जुड़ता हूं, ताकि आपके जो भी सवाल हों अपनी सेक्स समस्याओं को लेके वहीं के वहीं उनका जवाब दे सकूँ। चलिए आज के टॉपिक को लेके हम आगे बढ़ते हैं कि जब पहली बार किसी को सेक्स करना होता है, स्पेशली आज मैं बात करूंगा कि जब किसी मेल को किसी फीमेल के साथ, एक मेल ने जब पहली बार सेक्स करने जाना है तो उसको क्या खास ख्याल रखना चाहिए। सो हमेशा इस बात का ख्याल रखिए कि जिंदगी में कोई भी चीज़ जब हम पहली बार करने जाते हैं ना, तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि वो अच्छी हो जाएगी। बिकॉज जब आप किसी भी फीमेल के साथ पहली बार सेक्स करने जाएंगे तो हो सकता है कि आपको पहली बार में एंग्जाइटी हो, घबराहट हो, उसके पीछे कोई भी रीजंस हो सकते हैं। एक रीज़न ये भी होता है कि कभी किया नहीं है, पता नहीं कैसे कर पाऊँगा, या कोई आ ना जाए, कोई देख ना ले, कोई पकड़ ना ले, क्या होगा, वो प्रेग्नेंट तो नहीं हो जाएंगी। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो आपके यहाँ पे प्रेशर बन के खड़े हो जाते हैं, और वो प्रेशर कई बार आपकी परफॉर्मेंस को पूरे तरीके ख़राब कर सकता होता है। और उसके साथ साथ क्या होता है, जैसे ही आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी भी ख़राब होने लगती है, आप में वो घबराहट और ज़्यादा हो के वो परफॉर्मेंस खा करके एकदम से नीचे गिरती है। तो हमेशा याद रखिएगा, पहली बार का सेक्स चाहे तो वो पूरे तरीके फेलियर हो या बहुत बढ़िया हो जाए, आप किसी को भी इंपॉर्टेंस मत दीजिए। बिकॉज कई बार क्या होता है कि पहली बार एंग्जाइटीज में भी आप ओवर मीन के वो सेक्स कराते हैं जिसको आपको लगता है वाओ आई हैड रियली गुड सेक्स, वो कई बार किसी भी डायरेक्शन में पासा जा सकता होता है बिल्कुल पहली बार का। सो या तो वो बहुत ऊंचे लेवल का गया या बहुत नीचे लेवल का गया, उसको भूल जाइएगा, उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है और आराम से रिलैक्स माइंडेड अगली दफा के लिए आपको आगे बढ़ना है। मगर एक और बहुत ज़रूरी बात याद रखनी है, जब ये आजकल के नौजवान पहली बार सेक्स के लिए जाते हैं तो उससे पहले अपने पार्टनर के साथ बहुत सारी चीज़ें चैट पे डिस्कस करने लग जाते हैं। होता क्या है कि जब ये व्हाट्सएप की चैट या किसी मैसेंजर की चैट होती है या सेक्सटिंग होती है या फ़ोन पे बात होती है ना, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं कि सामने वाले को तो ये महसूस होने लगता है कि ये तो सुपरमैन बन के आएगा, और अपने अंदर उनको पता होता है यार मैं ढंग से कर भी नहीं पाऊंगा। जब आप सामने वाले को ये दिखा रहे हो ना कि आई एम अ हीमैन और सुपरमैन, अगर मेरे साथ सेक्स कर लिए तो बस मुझे ही याद करोगी, ये इंप्रेशन उन पे तो छोड़ दिया। जब उन पे ये इंप्रेशन छोड़ा ना, तो उनकी भी आपसे उम्मीदें बहुत ज्यादा हो जाती हैं, और आपको ये अंदर कहीं ना कहीं महसूस हो रहा होता है कि ये उम्मीदों पे मैं खरा नहीं उतर पाऊंगा। ये एक एडिशनल प्रेशर आप अपने ऊपर डालते हैं। सो जब भी आप पहली बार सेक्स के लिए जाते हैं, कीप योर एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक, असलियत के धरातल पे खड़े होके अपने बारे में बात कीजिए, और अपने सामने वाले पार्टनर को भी उस असलियत से अवगत करवाइए। फालतू की हवाओं में मत रहिए, बिकॉज अगर आप जो भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और वहां जाके कर नहीं पाए, तो वो बातें तो एक पल में झूठी वैसे ही साबित हो जाएंगी। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम अपने रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें और पार्टनर की भी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रहने दें। इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपका पहली बार का सेक्स चाहे किसी भी तरीके का होगा, वो आपकी अगली बार में कभी इंटरप्ट नहीं करेगा, कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि नौजवानों को जिन्होंने पहली बार सेक्स करना है उनको काफ़ी मदद मिली होगी, और अब वो बहुत बहुत अच्छे तरीके अपनी सेक्स लाइफ की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके मेरे वीडियोस को देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बिकॉज करीब करीब हर रोज एक नया वीडियो आता है जो आप ही की सेक्स लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए होता है। कीप एंजॉइंग ग्रेट सेक्स लाइफ।